ये एग्जांपल है इस तरह का, जिसमें तीन इनपुट के पैरामीटर्स है और रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। ये एक सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें ए बी दो इंटीजर्स रीड किए हैं, एक करेक्टर ये डिक्लेयर किए हैं और इनको फिर रीड किया है। किस फॉर्मेट में किया है? पहले एक इंटीजर, फिर एक करेक्टर, उसके बाद फिर इंटीजर। मतलब नॉर्मली हम एक ही दो नंबर्स का हो, बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उस तरह का, जिसमें ए 5+3 5-3 7/2 एट स्टार 2 इस तरह से लिखते हैं। तो हम एक इंटीजर लिखते हैं, बाद में एक करेक्टर और उसके बाद में एन इंटीजर। तो ये ही यहाँ पर इनपुट का फॉर्मेट रखा गया है। मतलब रीड करेंगे वहाँ एक इंटीजर देना है, बाद में एक करेक्टर और बाद में इंटीजर, और ये विदाउट स्पेस देना है। और उसके बाद में उस फंक्शन को कॉल किया है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उस फंक्शन में पहले दो इंटीजर वैल्यूज लिखी हैं, बाद में एक करेक्टर को इनपुट में दिया है। ये ही यहाँ प्रोटोटाइप में डिक्लेरेशन में किया इंट इंट से चार। बाद में जब मैन फंक्शन की बॉडी देखें तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो इनपुट करेक्टर है, थर्ड नंबर पे करेक्टर है तो जेड, यहाँ पर जी करेक्टर है, तो यदि ये करेक्टर प्लस है तो ये दोनों का एडिशन प्रिंट कर दे पहले दो पैरामीटर्स उनका। यदि ये माइनस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर दे, स्टार है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर दे, और स्लैश है तो उनका डिवाइड प्रिंट कर दे। करेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ सिंगल कोट में लिखा है, और नीचे लिखा है रिटर्न, और उसके बाद में लिखा है प्रिंट एफ ऑपरेशन इज नॉट गिवन इन दिस स्कोप। अब यहाँ पर ये रिटर्न लिखा है, हम अब तक बात कर रहे थे कि void में रिटर्न लिखते ही नहीं, लेकिन void में रिटर्न के आगे वैल्यू नहीं लिखते हैं, रिटर्न लिख सकते हैं। सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब है यहाँ पर फंक्शन का एंड हो गया है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये हो गया। ये दो कमेंट्स हैं, उसके बाद में इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच प्रोटोटाइप फंक्शन मैन फंक्शन, ए बी को डिक्लेयर किया, सी को डिक्लेयर किया, ए सी बी को रीड किया, मतलब इंटीजर करेक्टर इंटीजर रीड किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में क्या है? तो फंक्शन में यदि कैरेक्टर इनपुट कैरेक्टर एडिशन है तो दोनों का एडिशन प्रिंट करे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन प्रिंट करे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करे, डिवाइड है तो डिवाइड प्रिंट करे, और रिटर्न मतलब फंक्शन का एंड, उसके बाद में एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, अब रन करते हैं। तो अब इनपुट देने 2+3 एडिशन इज 5, हम 10-2 देते हैं, सब्ट्रैक्शन इज 8, हम 11*3 करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज 33, और हम 33/3 करते हैं तो 11, हम 10/3 करते हैं तो इंटीजर्स का डिवीजन है इसलिए 3 आया है, रियल नंबर होते तो 3.3333 आ जाता। हम कुछ और इनपुट में देखकर देखते हैं, जैसे हमने 2 3 दे दिया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, हमने 2 3 दे दिया कुछ भी आउटपुट नहीं आया, इसको भी हम समझेंगे। तो यहां पर अब हम इसको अपने फंक्शन को समझते हैं। तो इसमें फंक्शन में जो पैरामीटर लिस्ट है, यहाँ पर तीन पैरामीटर इनपुट में, तीनों को कोमा से सेपरेट किया गया है। मतलब पहला पैरामीटर एक्स, बाद में इंट वाई, दोनों के बीच में एक कोमा लगा दी गई है। इंट वाई और सी एच आर जेड के बीच में भी एक कोमा लगा दी गई है। तो जो भी इनपुट पैरामीटर्स हैं उनकी डेफिनेशन में वेरिएबल्स को कोमा से सेपरेट करते हैं और उनकी ऑर्डरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने पहला वेरिएबल इंट एक्स, दूसरा इंट वाई और तीसरा सी एच आर जेड, तो यहाँ मेन फंक्शन मैंने हमने इनपुट में दिया ए बी सी, मतलब ए की जो वैल्यू है वो एक्स को मिलेगी, बी की वाई को मिलेगी और सी की जेड को मिलेगी, क्योंकि ये इसका क्रम हमने रखा है। हमने पहला वेरिएबल जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू पहले इनपुट पैरामीटर को ही मिलेगी, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर को और तीसरा तीसरे को, ये क्रम यही रहेगा, क्रम परिवर्तित नहीं होगा। जो ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करने का मतलब कहीं भी वो फंक्शन लिखा हुआ है मेन फंक्शन में या जिस भी फंक्शन में हम अभी बात कर रहे हैं उसमें, तो वहां पर क्या होता है उसका कंट्रोल डायरेक्टली उस फंक्शन को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अब ये मेन फंक्शन में कोई और ऑपरेशन नहीं होगा जब तक कि ऑपरेशन वाला फंक्शन है ये कंप्लीट होके अपना काम पूरा नहीं कर देता। तो यहां से ये वैल्यूज तीनों ए बी सी की वैल्यूज लेकर ये उस फंक्शन में चला गया है, और इसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। और उसके बाद में ये मेन फंक्शन में तब आएगा जब उस फंक्शन में या तो उसका एंड हो जाए फंक्शन का या उसको रिटर्न मिले। यहां पर हम अब इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में तीन तरह से कंट्रोल हो सकता है, फंक्शन तीन तरह से कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करता है मतलब फंक्शन का कंट्रोल वापस एंड हो, इस फंक्शन में जहां हम हैं उसका कंट्रोल एंड हो, मतलब जहां इसको कॉल किया गया है अपना कर्सर वापस वहां चला जाए, यहां मेन फंक्शन में यहां कॉल किया गया है वहां पर वापस चला जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इस फंक्शन का एंड हो। और इस फंक्शन का एंड तीन तरह से हो सकता है, या तो इसको क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस मिल जाएँ, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस मिल जाएँ, या दूसरा ऑप्शन है कि इसको रिटर्न मिल जाए या रिटर्न के आगे कोई एक्सप्रेशन मिल जाए। रिटर्न के आगे एक्सप्रेशन उन फंक्शंस में मिलेगा जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये फंक्शन वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, वो हम नहीं लिख सकते, तो या तो इसको कर्ली ब्रेसेस मिल जाए या रिटर्न मिल जाए, मतलब रिटर्न मिलते ही इस फंक्शन का एंड हो गया है। तो इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है ये कम्प्लीटली यूजलेस स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि ये रिटर्न के बाद में लिखा गया है और ये फंक्शन है रिटर्न लिखते ही, रिटर्न आते ही इसका एंड हो जाएगा, उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो किसी काम के नहीं है, वो कम्प्लीटली यूजलेस हैं, इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट इस फंक्शन में यूजलेस है। हमें इस तरह के फंक्शंस अच्छे प्रोग्रामर के रूप में नहीं लिखने चाहिए। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है या प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ। ए फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर्स द फंक्शंस रिटर्न टाइप एंड डिक्लेयर्स द नंबर टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स द फंक्शन एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। तो इसको हम देखते हैं, तो हम अपना पिछला एग्जाम्पल है उसी को वापस लेते हैं। उसमें जो प्रोटोटाइप फंक्शन हमने लिया है ऑपरेशन वॉइड ऑपरेशन, इस पे फोकस करते हैं, इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। इसकी क्या पहचान है, क्या इसमें होता है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप है वो डिक्लेयर करता है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा और उसमें पैरामीटर लिस्ट कितने पैरामीटर इनपुट पैरामीटर्स किस ऑर्डर में है और उनका डेटा टाइप क्या है। मतलब यहाँ फंक्शन प्रोटोटाइप जो है उसमें जैसे ऑपरेशन है उसमें हम बता रहे हैं वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम आ गया, उसके बाद में पैरामीटर लिस्ट में हम यहाँ बता रहे हैं कि दो इंटीजर हैं और तीसरा करेक्टर है, ऑर्डर ये है पहला दूसरा इंटीजर और तीसरा करेक्टर है, बस इतना ही बता रहे हैं। यहाँ होगा क्या, जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो ऊपर से नीचे करता जाता है। अब मेन फंक्शन में जब उसको कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, यदि प्रोटोटाइप हमने नहीं दिया होता तो उसको प्रॉब्लम आती कि ऑपरेशन क्या चीज़ है, लेकिन हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बता दिया तो वो यहाँ से मैच कर लेगा, हाँ ऑपरेशन नाम का कोई फंक्शन है,
और उसमें पहले दो इनपुट पैरामीटर्स इंटीजर और तीसरा करेक्टर है। जो भी कई बार हम फंक्शन प्रोटोटाइप में वेरिएबल नेम्स लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंट एक्स इंट वाई करेक्टर जेड ये लिख दिया है। यदि इस तरह का हम लिखते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप है वो उनको फंक्शन प्रोटोटाइप में इनको इग्नोर कर दिया जाता है, ये वेरिएबल नेम्स को कोई महत्व नहीं रहता, इनका कोई महत्व नहीं रहता। यदि कोई फंक्शन प्रोटोटाइप हमने लिया है और उसमें जैसे हमने मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन दे दिए हैं, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने आर्गुमेंट में लिख दिया है कि यहाँ पर इंटीजर लिख दिया है और आर्गुमेंट में हमने फ्लोट दे दिया या ऑपोजिटली जो भी नंबर दे दिया है, तो जो भी अर्थमेटिक यूजुअल कन्वर्जन रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, स्टैंडर्ड यूजुअल जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनको कन्वर्ट कर लेता है। यदि वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो हमें एरर मैसेज कंपाइलर दे देता है। अब कन्वर्जन स्पेसिफायर्स क्या है, डाटा टाइप डिफरेंट डाटा टाइप्स के डिफरेंट कन्वर्जन स्पेसिफायर्स क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप के प्रिंट एफ में और स्कैन एफ में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या लिखते हैं? तो जो भी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस स्कैन एफ और प्रिंट एफ में होता है, बाकी इंटीजर टाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या है? तो हम जब भी प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उनकी जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है जिसमें हम बताते हैं कि यहाँ इंटीजर यहाँ फ्लोट प्रिंट होता है, तो बताने का तरीका जो है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। वहीं से जैसे हम परसेंटेज डी लिखते हैं तो इंटीजर प्रिंट होता है, परसेंटेज एफ लिखते हैं तो फ्लोट प्रिंट होता है। वहाँ पर ये परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ ही कन्वर्जन स्पेसिफायर है। तो ये क्या क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स में लॉन्ग डबल के लिए है परसेंटेज एल एफ, प्रिंट टाइप में भी परसेंटेज एल एफ है, स्कैन एफ में भी परसेंटेज एल एफ है, डबल में प्रिंट टाइप में परसेंटेज एफ है, स्कैन एफ में परसेंटेज एल एफ है। यहाँ लॉन्ग डबल में एल अपर केस में है, डबल में एल लोअर केस में है, फ्लोट में फ्लोट के लिए दोनों जगह परसेंटेज एफ है। इंटीजर टाइप्स में प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए सब सेम है, समान है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए परसेंटेज एल यू, सब कुछ लोअर केस में है, परसेंटेज एल यू, एल फॉर लॉन्ग, यू फॉर अनसाइंड। लॉन्ग के लिए परसेंटेज एल डी, एल फॉर लॉन्ग, डी फॉर डेसिमल। अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू, यू फॉर अनसाइंड। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी डेसिमल, शॉर्ट के लिए परसेंटेज एच डी और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी।